हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक आजकल बड़ा, आजकल तो नहीं आज बल्कि लास्ट मंथ की बात है, जो टिकटॉक पे एक वीडियो चला हुआ था, कोई फैजू शेख नाम करके एक लड़का है, उसने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। पॉपुलर पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ें पॉपुलर क्यों होती हैं। जहाँ कम्युनिज्म की बात आ जाती है, हेटिज्म की बात आ जाती है, लोग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर लोग उसको इतनी पब्लिसिटी क्यों देते हैं। उसके 25 मिलियन फॉलोअर्स थे और वो बंदा एक ऐसे नाजुक से टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था कि एक अभी पीछे तवरेज करके एक लड़का था जिसको भीड़ ने मारा है और उसको जय श्री राम के नारे बुलवाए, जो या चाहे बजरंग बली के नारे। मैं उस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। किसी को इस चीज़ का हक नहीं है कि चाहे भीड़ हो चाहे कोई लोग हों, कि वो कानून को अपने हाथ में लें और उसके अंगेंस्ट वो बात करें। अगर उस लड़के ने चोरी की थी, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको पकड़िए। ठीक है, भीड़ में कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, अगर उन्होंने मारा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको मारना भी नहीं चाहिए था। हमारे देश कानून से चलता है, हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो किसी भी लोगों को ये हक नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लें और जाके उनको मारें और उनको ख़त्म कर दें। ये कहीं से भी अप्रिशिएटेबल नहीं है और मैं इसको कभी भी इस चीज़ के लिए सहमत नहीं हूँ। खैर, ये वो उसकी बात थी। तो उस लड़के को वहाँ पे मारा गया और उसकी डेथ हो गई, उसके लिए मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और मेरा बस चले तो मैं उसकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन अब बात थोड़ी अलग से हटके मैं बताता हूँ। वो बात ये है कि आपको पता है टिकटॉक पे एक वीडियो आया था, फेसबुक से करके एक लड़का था, 2-3-4 लड़के हैं और वो वीडियो बना रहे हैं और वो उसमें वीडियो में एक क्लेम कर रहे हैं कि अगर कल को उसका बेटा अगर बड़ा होता है तो फिर मत कहना कि वो मिलिटेंट बनेगा। वर्डिंग को आप जरा थोड़ी सी नोट करें, क्या लिखा है कि कल को अगर उसका बेटा बड़ा होगा और वो अगर मिलिटेंट बनेगा तो फिर मत कहना कि वो मिलिटेंट बना है। तो मैं उसको ये, वो खुद एक मेरे ख्याल से 18 या 19 साल के बच्चे हैं, बड़े टीन एज के लोगों में वो वाली सोच होती है कई बार। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा वाला इंसिडेंट खाली एक बार अभी हुआ है, या ऐसे वाले इंसिडेंट आपको पता है कि भीड़ कभी ये नहीं देखती कि मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। भीड़ का एक अपना रूल चलता है और ये नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि मॉब लिंचिंग कहीं से नहीं होनी चाहिए, गलत है। लेकिन सबसे ज़्यादा गलत वो लोग हैं जो इसके ऊपर अपनी रोटियां सेकते हैं, जैसे कि इस लड़के ने किया है, जो कि ये उकसा रहा है लोगों को। मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि क्या बड़े होकर वो मिलिटेंट ही बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बनेगा, वो IPS नहीं बनेगा, वो IAS नहीं बनेगा? क्या यही एक राह है? और तुम किन लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो? उस भीड़ को मरवाना चाह रहे हो जिसका पता ही नहीं कौन था, उसमें हिंदू थे कि मुसलमान थे कि सिख थे कि ईसाई थे, कितने लोग थे किसको क्या पता है? तो इस तरह के वीडियो बना के आप अपने देश को ही एक तरह से अपने देश का माहौल खराब कर रहे हो। और आप यंगेस्टर हो, आपके ऊपर हमारी बहुत सारी एक तरह से उम्मीदें हैं, टिकी हुई हैं। आप अपने देश के लिए अच्छा काम करें, अच्छे मैसेज दें। 25 मिलियन व्यूअर्स बहुत होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं और कोई लोग अगर आपको अप्रिशिएट कर रहा हो तो मैं उसको बोलना चाहता हूं कि अगर तुम लोग कम्युनिज्म को अप्रिशिएट कर रहे हो तो अपने देश को डुबोने का दूसरा काम कर रहे हो। अगर इंडिया कभी गुलाम बना है तो सिर्फ इस वजह से बना था जब आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाना शुरू किया था। अंग्रेजों की पॉलिसी क्या रही थी? अंग्रेजों की पॉलिसी ये रही थी कि शासन करो और फूट डालो। तो यही पॉलिसी अब दोबारा आ रही है। तुम एक जगह में रह के तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बड़े होके ये बनोगे, मिलिटेंट बनोगे, देश को किसको मारोगे यार, किसको मारोगे? सब तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारे भाई हो। और तुम अगर लोगों को मारने की बातें कर रहे हो, अपने फॉलोअर्स हैं उनको गलत मैसेज कन्वे कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। तो अगर आपको जो लोग फॉलो करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे बहकावे में ना आए। अगर आपने कुछ बनने के लिए कहना है तो आप डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरी चीज़ें बने। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरे साथ आज कुछ एक इन्वेस्टर हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाना चाहूँगा और मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या वो क्या सोचते हैं ऐसे वीडियोज़ के बारे में, क्या ऐसे वीडियोज़ बनने चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारे साथ, हेलो गाइस,
और साथ में Hello हमारे guys, what's up? तो मैं आप लोगों से एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप इन्वेस्टर हो, हमारे देश के इन्वेस्टर हो, और आपको पता है कि टिकटॉक एक माध्यम बना हुआ है आजकल। क्या आपको लगता है कि टिकटॉक में आपने एक अच्छा पहले एक वीडियो देखा था, एक फेसबुक करके एक लड़के का एक वीडियो आया था, और उसमें वो ये कह रहा था कि तुम जब बड़े होगे तो फिर मत कहना कि मिलिटेंट बनोगे तक। देखा आप लोगों ने? यस सर, क्या सर आप उसके ऊपर क्या राय देते सर हो? आई डोंट नो आप फैजू के बारे में क्या सोचते हैं, बट मेरी नज़र में वो बहुत ही घटिया इंसान है। पता क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना कि इंडिया में रहते ही उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो वो 25 मिलियन से आई थिंक गैस, तो उसने ये वीडियो अपलोड की, आपने भी देखी होगी शायद, सब लोगों ने देखी है, क्योंकि हम इंडियंस ही हैं जो सबको सपोर्ट करते हैं। हम इंडियन चाहे अच्छा हो रहा हो तब भी हम उसकी सपोर्ट में आते हैं, अगर बुरा हो रहा हो तब उनके खिलाफ होते हैं हम। तो फेजू ने ये जो वीडियो अपलोड की ये बहुत ही गलत थी और ये धर्म से रिलेटेड थी। तो हम हिंदू हैं बट हम कोई धर्म गलत करें तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना जानते हैं। तो फेजू ने जब ये वीडियो अपलोड की तो उसके एकदम से 15 मिलियन फैन कम ओके, हो गए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस तरह की वीडियोस नहीं होनी चाहिए, नहीं है नहीं तो होनी उसकी स्पॉट चाहिए। में इजाज खान भी आया था हाँ, तो उसको भुगतनी वो भी पड़ी, अभी अंदर है। अरेस्ट हो गया वो। तो आप क्या बोलते हो कि इस तरह की वीडियोस क्या चलनी चाहिए या नहीं हम? बिल्कुल भी पता नहीं यार, लड़कियां क्यों इतना उसके लिए पागल है, इतनी फॉलो करी है दोबारा से, टिकटॉक वालों ने उसका अकाउंट बंद कर दिया है, ट्वीट कर रही है कि उसके अकाउंट को दोबारा से ओपन करे, पता नहीं क्यों यार। हमारे सेना मर रही है बॉर्डर पे, किसके लिए मर रही है? हमारे देश की रक्षा के लिए, और वो देश में रहकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब आपका कहने का मतलब देश के लोगों को भड़का रहे हैं। भड़का रहा है। भड़का वो रहे थाली, जिस हैं, थाली में वो खाता है उस टेररिस्ट थाली में ही बनेंगे, चाहिए। वो होगा फलाना होगा, जिस थाली में खा रहा है उसमें छेद कर रहा है। इंडिया में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, गधों को इनको इंडिया से बाहर करो, इंडिया से बाहर निकालो इनको। मतलब कहने का मतलब इनके ये है कि आपने देख ही लिया कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं ये सभी इस चीज को मानते हैं कि इस तरह के लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे जो लोग हैं इनके चैनल जो बंद हुआ वो जायज है, वो बंद जायज होना है, चाहिए। बिल्कुल जायज है। और टिकटॉक जिस वाले द्वारा सस्पेंड इसके चैनल को ओपन ना करें, टिकटॉक वालों ने सस्पेंड कर दिया इसका चैनल। मैं चाहता हूं कि उसका चैनल कभी ओपन हो ही ना। अब मतलब ये ठीक बोल रहे हैं कि ऐसे चैनल कभी ओपन नहीं होना चाहिए कि देश के लोगों को भड़काए, देश की भावनाओं को भड़काए और भाईचारे को लड़वाए, खत्म करें, खत्म बस करे। वही है। मतलब ये अल्टीमेटली उनके कहने का मतलब, तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि ये हमारे व्यूवर्स थे, ये हमारे इन्वेस्टर थे, जो ये लोग मानते हैं कि इस तरह के वीडियोस नहीं चलने चाहिए, नहीं प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम सब लोग एक देश के नागरिक हैं और हम भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाते हैं, ना कि एक दूसरे को लड़वाते हैं। अगर कोई लोग इस तरह की चीज़ें करती हैं तो उनके चैनल को बंद करना चाहिए, और टिकटॉक का ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक सराहनीय कदम था कि उन्होंने उनके चैनल को बंद किया। और मैं भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और जो आप देख रहे हैं आप इसको सपोर्ट ना करें, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें और अच्छे कामों में अपना ध्यान लगाएं और हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।